पिछले दिनों गुरदासपुर जिला में अकाली भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार व फिल्म अभिनेता सन्नी देओल की तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर रोड शो निकाला गया था, लेकिन इस दौरान सन्नी देओल से अनजाने में हुई भूल उसे महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। मामला गुरदासपुर में सन्नी के रोड शो का है, जहां पर जिस ट्रक पर सन्नी देओल सवार हुए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने पाँव के नीचे नहीं देखा। अनजाने में उन्होंने तीनों लोगों के स्वामी भगवान शिव की तस्वीर पर पैर रख दिए और कितने घंटों तक रोड शो यूं ही चलता रहा। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विनी सेकड़ी द्वारा सन्नी देओल का पुतला फूंका गया और इसको पार्टी का मामला न बताते हुए धर्म के मसले और भेदभाव को लेकर रोष प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अश्विनी सेकड़ी द्वारा अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पुलिस स्टेशन का घेराव किया और जमकर सन्नी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही पुलिस पर सन्नी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सभी धरना प्रदर्शनकारी स्टेशन पर ही जमे रहे और सन्नी पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का रिजल्ट का इंतजार करते दिखे। उधर पुलिस ने इस बारे में 48 घंटे का समय लिया है और पड़ताल करके जो भी मामला सामने आएगा कार्रवाई करने की बात कही है। क्या सन्नी देओल को तू इसलिए भेजा जा जिला गुरदासपुर जाके हिंदुओं और सिखा दे जो सेंटीमेंट है उन्होंने हट करे। अज उस शख्स ने भगवान शंकर के जटाव उत्ते पैर रख के बेद भी की थी है। यह देखो फोटो च नजर आ रहा कई घंटे लगातार वो बेद भी कर रहा और उस शख्स ने पिछले 24 घंटे च हूं तक माफी नहीं मंगी, उन्होंने कोई शर्मिंदगी नहीं। वो गया डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन गया। श्री अश्विनी जी सेकड़ी वालों कि जोड़े कैंडीडेट ने गुरदासपुर तो अजय सिंह देओल एलियस सन्नी देओल जो धर्मिंदर जी बेटे ने उन्होंने वाले कंप्लेट आई है कि ड्यूरिंग कैंपेनिंग गुरदासपुर सिटी के उन्होंने जो ट्रक उपर बैठे से बैठन के दौरान उन्होंने जोड़े अपने पैर है वो लॉर्ड शिवा शिवजी महाराज की फोटो के पूरे पैर आए तो बैठने तो पहला उन्होंने सरोपे ने जगह साफ की जोड़ा सरोपा उन्होंने डेरा बाबा नानक तो मिलया सर। ये साढ़े कंप्लेट आई है तो यदि पड़ताल कर रहे हैं बाद पड़ताल जो कार्रवाई हो अमल। जागृति लहर के लिए बटाला से विक्की मलिक की रिपोर्ट।